देखिए, क्रीड एवेंटस का डीएनए काफी लोगों को पसंद आता है और इसीलिए उसको काफी लोग पसंद भी करते हैं वेयर करना। अब बात हो क्लब दुनिया इंटेंस मैन की या सुपरमेसी नॉट ऑनली इंटेंस फ्रेग्रेंस के बारे में, तो आज भी उसके काफी चाहने वाले हैं। बट अगर एक बेस्ट बजट ऑल्टरनेटिव की बात करी जाए क्रीड एवेंटस के, तो इस फ्रेग्रेंस को मिस नहीं कर सकते। बात करेंगे आज एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में, इन डिटेल मैं कवर करूंगा इसके नोट्स ब्रेकडाउन, वेरिएबिलिटी और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, ताकि आप अपना डिसीजन बना पाए कि क्या आपको इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना चाहिए। वैसे अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैक्ट फैक्ट्स को, ताकि आप एक ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू को कभी मिस ना करें। देखिए क्या इस पूरे डिटेल रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू फ्रैक्ट फैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस इतना सपोर्ट शो करने के लिए इस चैनल को। और अगर आप इस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखेंगे तो फ्यूचर में मैं कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस को कवर करूंगा जो आप देखना चाहते हैं, उनको परचेज करके उनको रिव्यू करूंगा। देखिए पीछे जो आप बैकग्राउंड में जो एक ट्रेंड देख रहे हैं, देयर इज अ स्लाइट चेंज, मैंने इसको रिसेंटली परचेज किया है। और ये देखिए, ऐसा आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कितने मेरे पास कलेक्शन में फ्रेग्रेंसेज हैं। हालांकि पूरी शेल्फ जो है परफ्यूम से फिल्ड है, बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेज हैं जो मैंने कहीं और प्लेस किए हैं, क्योंकि ये पूरी कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अगर आप इनमें से किसी फ्रेग्रेंस का रिव्यू देखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और जिस फ्रेग्रेंस के बारे में वैसे हम बात करने वाले हैं, फ्रेग्रेंस का रिव्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसका डिटेल रिव्यू चैनल पर है, आप इसको देख सकते हैं, रयान ओशन रश। जी हाँ, और इसी ब्रांड की तरफ से आने वाले इस फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम फुल रिव्यू शेयर करेंगे, जो कि है इंपेरिया। देखिए रयान जो ब्रांड है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रसासी का ही सिस्टर ब्रांड है, क्वालिटी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगी मुझे बजट में। बात करेंगे डिटेल में इसके ओवरऑल नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, बट जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉक्स एंड बॉटल की प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स कार्डबोर्ड मटेरियल का है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, जिसके फ्रंट में परफ्यूम नेम रियान इंपीरिया फॉर हिम एंड 100 ml वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है। टॉप में ब्रांड लोगो इंप्रिंट किया है, बॉक्स के बॉटम पे बैच कोड एंड इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो मेंशन्ड। बॉटल डिजाइन की अगर बात करें तो काफी अच्छी प्रेजेंटेशन है, कैप ब्लैक कलर की है, बॉटल के फ्रंट में रयान EDP एंड इंपीरिया फॉर हिम मेंशन किया है। कैप बॉटल को काफी अच्छे से होल्ड करती है। बात करें अगर स्प्रेयर की, तो वो भी गुड अमाउंट ऑफ मिस्ट स्प्रेड करता है इन द ईयर। इस फ्रेग्रेंस के नोट ब्रेकडाउन की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी ओपनिंग में जो स्मोकी कैरेक्टर, जो क्लब दुनिया इंटेंस मैन, अगर आप लोगों में से किसने भी वेयर किया है, अगर आप उसको इनिशियली स्प्रे करते हैं, तो एक जो स्मोकी कैरेक्टर रहता है उसकी ओपनिंग में, वो यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग है। बहुत ही अच्छा पोटेंसी के साथ ये फ्रेग्रेंस आती है, बिल्कुल भी स्मोकीनेस नहीं है। वैसे मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को वो स्मोकीनेस पसंद भी रहती है ओपनिंग में, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर भी मिलता है, और काफ़ी लोगों को वो स्मोकीनेस नहीं पसंद आती और इसीलिए वो सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस की तरफ जाते हैं। बट इसकी ओपनिंग काफ़ी पोटेंसी भरी है, जैसे कई दल वुडसान जो एक फ्रेग्रेंस आती है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी प्लेस की है, इसकी पोटेंसी जो है पाइनएप्पल की, जो एक जूसी जो कैरेक्टर आता है, वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली यहाँ पर फील होगा इसकी ओपनिंग में। इनिशियली जब आप इस फ्रेग्रेंस को स्प्रे करेंगे तो आपको एक पोटेंसी भरा सिट्रस का अकॉर्ड मिलेगा, वहीं बैकग्राउंड में इसमें आपको एक फ्रूटी, एक स्वीट कैरेक्टर भी ऐड होता है। मिंट इसके ओवरऑल सेंट प्रोफाइल में एक एयरी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। एलिमी का जो नोट है ओवरऑल, मैंने अपने पहले रिव्यूज में भी बताया है, वो किसी भी फ्रेग्रेंस के जो ट्रांजिशन है उसको, एलिमेंट्स को, उसको लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर और उसको बांध के रखता है, उसको बाइंड करके रखता है। वो कहीं पे भी आपको पूरी ओवरऑल ट्रांजिशन में आपको बिल्कुल भी मिस होते हुए नहीं महसूस होंगे। मिडल नोट के ट्रांजिशन में आफ्टर 25 मिनट्स एक वाइट फ्लोरल का एक पाउडरी स्लाइटली टच आपको यहाँ पर महसूस होगा, जो कि इसके बैकग्राउंड में एक ग्रीन हर्बल नुआंसेस ऑफ पचूली को भी महसूस आपको करवाएगा। वहीं जो ये वाइट फ्लोरल नोट है वो रोज की फ्रेश और स्पाइसी के साथ मिक्स होता है। ओवरऑल जो सैंडलवुड है इन दी एंड, इसमें आपको इसके वाइट फ्लोरल नोट्स में हल्की सी क्रीमीनेस और वुडी कैरेक्टर को ऐड करवाएगा। मिडल नोट का जो इसका ट्रांजिशन है, इट्स क्वाइट अपीलिंग, जो कि काफ़ी अच्छे से इन द एयर स्प्रेड होता है, काफ़ी अच्छे से और लोगों को भी आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं इस ट्रांजिशन में। देखिए बेस नोट में आते आते ये जो ओवरऑल फ्रेग्रेंस है थोड़ा सॉफ्ट साइड पर चले जाती है। अब सॉफ्ट साइड में इट डजेंट मीन कि ये परफॉर्म नहीं करता, बट ओवरऑल जो इसकी ट्रांजिशन है उसमें आपको मेनली जो महसूस होंगे नोट्स, वो कुछ माइल्ड मस्की, स्वीट और एक वुडी कैरेक्टर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से महसूस होंगे। अगर बात करें मेन डिफरेंस की क्लब दुनिया इंटेंस मैन के साथ, तो बर्ज का जो कैरेक्टर है जो मिडल नोट के ट्रांजिशन में क्लब दुनिया इंटेंस मैन में ऐड होता था, वो यहाँ पर कम्प्लीटली मिसिंग है और इसी की वजह से इस फ्रेग्रेंस में वो पोटेंसी बरकरार रहती है। इस फ्रेग्रेंस के प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऐसी 100 ml की बॉटल अभी आपको 1500 से 1600 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगी। और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने सेलर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, आप इसे वहां से वाया कॉल एंड व्हाट्सएप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बात करें इस
इंपॉर्टेंस की वेरिएबिलिटी की। एब्सोल्युटली वर्सेटाइल, कोई भी वेदर हो, कोई भी ओकेजन हो, आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपीलिंग और कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस है ये। मेरे अकॉर्डिंग आप इसके 6 से 8 स्प्रे कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि क्लब दुनी इंटेंस मैन के एक स्मोकी कैरेक्टर को काफ़ी पसंद करते हैं, बट आई एम श्योर कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस स्मोकी कैरेक्टर को अवॉइड करते हैं, एंड दैट्स वाई उन्होंने हमीदी एडिक्टेड इंटेंस को चूज़ किया था। बट अगर आप मेरी माने तो मैं इस फ्रेग्रेंस को पिक करूँगा ओवर अदर्स जो कि 1500 से 2000 या 2500 के बीच में आते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके 8 से 10 स्प्रेस कर लूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी मैक्सिमम 7 घंटे की है। कपड़ों पर ये 10 से 11 घंटे मैक्स तक टिकता है। प्रोजेक्शन इसका 1.5 से 2 घंटे का मैक्स है। अपने ये 2 hour के मार्क तक अगर आप 8 से 10 स्प्रेस कर लेंगे तो वहाँ तक इसको स्ट्रेच करता है। सियाज की बात करें तो माइल्ड एंड मॉडरेट साइड पर है। ओवरऑल इस परफॉर्मेंस फैक्टर को मैंने और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है विद इन 3 फैक्टर्स जो कि है लॉन्जिविटी, इसकी प्रोजेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। तो लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 8.5, प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 7.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में मैं इस फ्रेग्रेंस को दूंगा 9.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 25.5। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन रेयान के इम्पेरिया फॉर हिम फ्रेग्रेंस के बारे में। अगर आप एक बजट में क्रीड एवेंटस के फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं परचेज करने का, तो आई थिंक अगर आप एक स्मोकी कैरेक्टर भी अवॉइड करना चाहते हैं क्लब दुनिया इंटेंस मैन में जो आती है उसको अगर आपको पसंद नहीं है वेयर करना, सो ओवर एनी अदर फ्रेग्रेंस आई वुड से कि इस फ्रेग्रेंस को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ओवरऑल अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन सारी क्वेरीज़ के आंसर कर सकूं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।